मौसम बहुत अच्छा है। आपको जैसे मेरे विषय में पता है, मैं तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। ये काम बिहारियों के होते हैं, तुम लोग क्यों कर रहे हो इधर? ना ना, वो नहीं बोल रहा। अच्छा, वो बोल रही है। अच्छा, वो बोल रही है। हाँ, उतर गया। अंदर जो गई है। तो मैं, आप सब जानते हैं, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। फिर दिल्ली में भाई साहब ने ऐसा बिठा दिया जिसने एक के साथ एक फ्री कर दिया, तो मेरा तो भाई साहब दिल्ली से आने का मन नहीं करता। चार लाइनें आपको सुनाऊंगा, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा सीधे सीधे, बहुत बेहतरीन। मैं पिछले दिनों भाई साहब दुबई गया, वहां पर भी भाई साहब ही लेकर के गए थे। मुझे वहां पे एक बड़ौत का आदमी मिल गया। अब आप कहोगे कि यार बड़ौत का है, तुम्हें पता कैसे चला? बागपत, शामली, कहीं का भी हो सकता है। उसकी हरकतों ने मुझे बता दिया, हो ना हो ये बड़ौत का ही है। मैं सच बता रहा हूं, वो चाय पी रहे थे तीन जने, एक अमेरिका का, एक दुबई का और वह एक तीसरा बड़ौत का। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब तीसरा बड़ौत वाले ने देखा, इसने उल्टा रख दिया, इसने सीधा रख दिया, हमें कुछ अलग करना चाहिए। भाई ने बड़ी मुश्किल से कप को आड़ा करके टिकाया तो दोनों को हंसी आ गई। बोले गया, ये तूने क्या किया? बोले पहले तुम बताओ। वो बोला कुछ नहीं, मुझे चाय और नहीं चाहिए, अमेरिका वाला बोला इसलिए मैंने उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो भाई मुझे चाय और चाहिए इसलिए कप को मैंने सीधा रख दिया। अब वो बड़ौत का बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहन दो, टेंशन काहे को ले रहे हो। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। तो उन्होंने पूछा भैया तुमने क्या किया? बोला हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते फिर उसमें दोबारा कभी चाय पीते नहीं। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय पीते नहीं। अब वो सर बड़ौत वाला, उसने रिवॉल्वर निकाली, एक अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने ही पूछी, वो तो बचे ही नहीं थे। मैंने कि भाई ये तूने क्या किया? बोले हम बड़ौत वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। बहुत अच्छा भाई, इसमें एक गलती हो गई तेरे से। रिवॉल्वर नहीं निकाल सकता। अच्छा, कट्टा ही निकाला होगा। यो देख देख, यहाँ पता क्या है, यहाँ तेरी रील देख देख के, स्वयं श्रीवास्तव की रील देख देख के, गांव में एक लौंडा जो है उसका बाप पूछ रहा खेत में उससे, नुकरे के चल रहा? तो सोच रहा टीवी देखा, बोला फॉग चल रहा। तो बाप ने दी दो लात। फिर उसके चाचा ने पूछा ईब के चल रहा? बोले खेत में पानी। तो ये जगह दूसरी है थोड़ी। तो कट्टा निकाला उसने जी। चार लाइन आपको सुनाता हूँ और बहुत बढ़िया। आज जो सच बता रहा हूँ, आज जो कमाल में पेरिफेरल जो ये नया बना है, यहाँ से जैसे ही मैं भाई साहब उतरा इधर बड़ौत के लिए, संजय भैया, मैंने अद्भुत दृश्य देखा। दो आदमी बड़ौत शुरू होते ही दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। जाम सा लग गया सड़क पे, आधे घंटे तक गाली गलौज करते रहे। जाम खुल नहीं रहा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने धुनने पर होता है। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं लगभग आधे घंटे से कवि सम्मेलन शुरू हुआ और आप लगातार हंस रही हैं। घर पर भी ऐसी रहा करो। मैं चार लाइनें सच बता रहा हूं डॉक्टर साहब। मैंने ये नोटिस किया है कि पिछले 6-7 महीने से बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देखती रहती हैं। हाय हाय, इसमें ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है अपना वाला तो ढंग का है। इस पे वो ताली बजा रहे जो खुद को ढंग के समझ रहे हैं। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, ये महिलाएं आपको पता नहीं, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। इनका तो मुकाबला ही नहीं है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो आप लोग सचमुच जब हंसते हैं तो हिलोर सी आती है वहां से, लेकिन यहां क्या मुझे मजा ये आ रहा है कि नीचे से हवा भी चल रही है
मैं धोती पहनकर आया हूं। चार लाइन सुनना, इन चार लाइन पर हवा ज्यादा तेज ना चले ऐसा मैं सोचता हूं। नहीं, मैं तो अभी अमेरिका गया था डॉक्टर साहब, एक अंग्रेज मुझे वहां मिल गया, बोले व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती, बोले व्हाट इज धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर, इसमें किसी एसी वेसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सच बता रहा हूं, चार लाइन ये सुनना बिल्कुल बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हो, महिलाएं जब इतना गौर से सुनती है तो मुझे और ज्यादा आनंद आता है। हाँ। नहीं तो मैं आपको बताऊं, बाकी जगह महिलाएं जो है ना इतना खुलकर हंसती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, आप उसकी चिंता किए बिना इतना खुलकर हंस रही हैं। मैं सच बता रहा हूं, शादी के ठीक पांचवें दिन जहां से उसकी पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के उसने एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जब उस मोबाइल के डिब्बे को खोला तो उसमें से नोकिया 1100 निकला। ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है, बोले वही जो तुमने मेरे साथ किया है। चार लाइन सुनाता हूं, रील्स की बात की डॉक्टर साहब ने, हम कवियों का खासकर मेरा तो यह सौभाग्य है कि आप सब जानते हैं और सब मुझसे ऐसा कहते भी हैं, बहुत बड़े बड़े कवि कहते हैं कि शंभू तुमको जितना डॉक्टर साहब प्यार करते हैं और मंच से जितना तुम्हारे लिए कहते हैं उतना शायद वो किसी कवि के लिए नहीं कहते। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वो मेरे पर भी प्यार जुटा रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं आपको। अच्छा, मेरी किस्मत से ज्यादा जलो मत, आप मुझे देख रहे हो ना, मेरी पत्नी को भी मुझ पर शक होता है, उसको भी लगता है इसका कहीं चक्कर चल रहा है, मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरी एक हो गई, वही बहुत बड़ी बात है। चार लाइन सुनना, रील्स बनाने वाले लोग बहुत रील्स बनाते हैं। हाँ। ये मैंने चार लाइनें लिखी, आनंद लेना। हाँ ला ला। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले। और ये चार लाइनें जिसको समझ आएगी कई दिन तक बिल्कुल नया सुनाता हूं, आनंद लेते रहोगे। कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM ना बना, भूले से अच्छे, भूले से भी पत्नी को। ये अच्छा एक है। चार लाइन और सुनना, बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा। कि पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, कहती है जिसको लड़कियां लंगूर सा लड़का, जिस पे फिदा है हो गई, जिस पे फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा, लप्पू सा सचिन देखिए। वो भाई साहब यहाँ पे आया ना संजय भाई, यहाँ वो एक मेरे को मिला पीयूष जैन, वो मुझे वही लगा लप्पू सा सचिन जैसा, आप लोग देखे होंगे तो। चार लाइन सुनाता हूँ, इन चार लाइनों का मजा लेना। यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं सच बता रहा हूँ दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ सर, ऐसी पुलिस दुनिया में कहीं नहीं है। यह पुलिस मलिक साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है, कहती है चलो हम तुम्हें सम्मान सहित थाने ले जाना चाहते हैं स्कॉर्पियो में बैठा कर। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, बोले जी हम इसे पैदल लेकर के आ रहे हैं लेकिन ये गाड़ी में बैठ करके नहीं आएंगे। ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ख्याति पाई है, चार लाइन सुनना, इसका आनंद लेना। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने चार लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं। वो वैसे गंजा सा आदमी भी ऐसे ऐसे कर रहे सामने। मैं भी थोड़े दिन बाद ऐसी होने वाला हूं, चिंता मत करो, तैयारी कर रहा हूं। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे,
खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। अच्छा है, क्या बढ़िया। आप लोग समझे कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते है 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते है 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं, सिद्ध पंक्तियां भाई साहब, वही वगैरह बढ़ा दे। हाँ भाई, इसी काम के लिए पर्ची लिए घूमा रहा है साल भर। हाँ जी, चीनी को जमा करके फिर से। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को, भाई लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके, ये बता रहा हूं आपको, हिंदी वाला फिर आ गया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं आपको, हिंदी वाला फिर आ गया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके फिर, सच बता रहा हूं, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को गणित वाला गया ही नहीं, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जाओ, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, अरे सारी मैं ताऊ, तुम्हें तो डबल एक्स की भी पता होगी। चीनी, सुनी, सच में मैं आपको सच बताऊं, हर साल मैं तो ताऊ के दर्शन करने ही आता हूं। इतना हंसता मुस्कुराता आदमी अगर आपको मिल जाए, एक बार ताऊ की जिंदा दिली के लिए तालियां बजाइए। बाबा कमाल कर रखा तुमने भी कतई। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं सर, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। अच्छा, और अगर समझ आ गई ना तो कई दिन तक मजे आएंगे। रोज जानी भैया रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा किसी दिन डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच, अच्छा देखो इतना बड़ा मंच, एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
ये तालियां इसरो बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है? बोले क्योंकि 18-20। मैं तो 20 का बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश, चीनी को जमा करके फिर से। क्या बढ़िया यहाँ पे नेताओं की पैरोडी इन्होंने सुनाई राम बाबू शिकरवार जी ने। मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर, क्या बढ़िया आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। चार लाइनें सुना करके अपना स्थान लेता हूं, टीम बहुत लंबी है। आदरणीय हरिओम पवार जी की जहां पर उपस्थिति होती है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, और आज के हम सब जानते हैं दुनिया में हिंदी कवि सम्मेलन को अगर किसी एक व्यक्ति ने उस शिखर पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां पर, जहां जनता को देखने के लिए बॉलीवुड के सितारे भी अगर उससे कुछ रिस्क रख सके, बॉलीवुड के सितारे भी अगर किसी से जलते हैं तो वह हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास होते हैं, जिनको सिर्फ देखने के लिए इतनी भीड़ आ जाती है, जिनकी कविताओं पर लोग रात रात भर झूमते रहते हैं। ये सौभाग्य भाई साहब किसी को भी नहीं मिला, केजरीवाल को भी नहीं। मैं चार लाइन कविता सुनाता जी, हाँ भाई साहब चार लाइन सुनना। नहीं देखो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ ना, हाँ। ये भाई साहब आपके क्षेत्र के, आपको पता नहीं पिलखवा रहते हैं, हमारी छाती पर ऐसा सांप इन्होंने छोड़ा है, खुद आ गए। अब बोला हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो समझा दो भाई साहब उसका भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो बार बार कहता रहता है दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस मेरे हवाले ठीक कर दो ठीक कर दूंगा। मैंने एक बार घर जाके कि मैंने कहा भाई साहब पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी, एक बार हमारे हवाले कर दो और यूपी पुलिस के कर दो, ये तो बैगनार कोई पलट देगी। चार लाइन सुनना जब इस मंच पर खड़ा हूं। भाई सोनू जैन और आदरणीय संजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सकल दिगंबर समाज का ये मंच है आप लोगों को। दोस्तों मैं जाति से ब्राह्मण हूं लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, मेरे आराध्य गुरु अगर कोई है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं पूरी दुनिया में जाता हूं। मेरे घर के मंदिर जी में अगर किसी एक व्यक्ति की फोटो लगी है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की लगी हुई है। मैं चार लाइनें उनको याद करते हुए और आप लोगों के जैन धर्म के इस मंच को, जो ये अद्भुत मंच है जो 50 सालों से आप लोग अभी सम्मेलन करा रहे हैं, कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, कल मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। मिल गया भूल गया मैं, बताओ। दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा, कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम नमोकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा, नमोकार मंत्र जाप करो। जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई मैं चार अंतिम लाइनें सुनाता हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि साहब पाकिस्तान की हालत आपको आज की तारीख में पता ही है, पाकिस्तान की हालत ये होगी भाई साहब, वो क्या क्या हालत होगी मैं बता रहा हूं भाई साहब। पाकिस्तान की हालत सिर्फ दोस्तों इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश में से जितने भी जैन मंदिर थे गुरुद्वारे थे उन सबको तुड़वा दिया। अगर उसके यहाँ पर आज की तारीख में गुरुद्वारे होते जैन मंदिर होते तो वह लंगर खा करके ही अपना जीवन बिता सकता था, आटा मांगने की नौबत नहीं आती। चार लाइनें सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा इन चार लाइनों का, कि दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है और इससे अलग कहीं कोई यंत्र नहीं है, आयत कुरान की हो चाहे वेद की ऋचा, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, नमोकार से। आभार धन्यवाद, जय जिनेंद्र। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इसके लिए, बहुत अच्छा।